वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? ये देखिए हम लोग के साइको ने प्लांट्स मतलब अगेन फिर से प्लांट्स आ गया। आप देख सकते हैं पाम ट्री लेके आए हम लोग साइको ने प्लांट्स को लेकर अभी बहुत ज्यादा प्लांट्स को लेकर अभी हमारे साइको ने ना मतलब हाई लेवल हो गया है। मतलब अभिषेक इतना डर गया है ना कि बोल रहे हैं हम गाड़ी में ना ब्लैक मिरर लगा देंगे तुम लोगों के लिए, क्योंकि तो हम ऐसे ऐसे करके निकलने लगते हैं और वो उसको आपको लगता है कि वो मिरर ना लगा दे ऊपर से और हमारा घर तो बाहर रह जाएगा, गमला लेते लेते। तो बस यही चल रहा है हम लोग का। मतलब मैं ना कोई भी चीज के लिए क्रेजी होती हूँ ना किसी चीज से, तो ये हाइट्स हो जाता है मेरे लिए। ऐसा होता है मैं कॉफी पीऊंगी एक्सट्रीम, चाय पीती हूँ एक्सट्रीम, और एक एक लेवल पे जाके वो चीज ना मेरी खत्म हो जाती है, मुझे फिर इच्छा नहीं होती है। तो मैं मुझे कॉफी के बीच में एडिक्शन था, मैं एडिक्शन मुझे चढ़ता रहता है। तो अभी मुझे प्लांट्स का एडिक्शन हुआ है और मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन पता है क्या लिया है, मैं 2021 में ढेर सारा प्लांट्स लगाऊंगी। देखती हूँ मेरा पति कितने परमिशन देता है। एक्चुअली मेरे पास उतना स्पेस नहीं हो पा रहा, अगर मेरे पास जमीन से जुड़ा हुआ गार्डन होता ना तो मजा ही आ जाता। तो मैं गई आज ये लेके आई, ये देखो ये बम्बू ट्री इंडोर प्लांट, ये बहुत महंगा मिलता है यार, ये बहुत महंगा। ये एक अभिषेक का पसंद का गेंदा का फूल, पता नहीं ये फूल पत्ते मुझे नहीं समझ में आते, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडोर प्लांट समझ में आते थे। अभिषेक ने बोला जब तुम लोग ये सब भी ले रहे हो तो ये भी लेना है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे सबसे खूबसूरत क्या लगा मैं बताती हूँ आपको, गमले दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स को शॉर्ट कर देती हूँ। मुझे आज मार्केट में ब्रोकली मिल गया, मैंने दो ब्रोकली लिया, मैं ब्रोकली की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने धनिया पत्ता लिया, ये सारा पालक धनिया पत्ता, मटर ऑलरेडी था फिर भी मैं कंट्रोल नहीं हुआ, बीन्स, ये अदरक हाफ के जी, और ये फूल गोभी। वेजिटेबल्स कल आई थी तो कुछ वेजिटेबल्स आए थे, फिर भी मुझे आज इतनी इच्छा हुई मैं ले लूँ, क्योंकि मैंने लिया। और ये अनार है, थोड़े बनाना, ये अनार छोटे वाले, और ये हमने लिया, मैं दिखाती हूँ, केक बनाने के लिए हार्ट शेप का। वो इस बार बेकिंग स्टार्ट होगी, अपनी बेकिंग हम करने वाले हैं। और मैंने लिया 5 kg आलू, तो ये सारी चीजें हैं। गमलों मैंने क्या क्या लिया मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये लिया, एक मैंने कुछ प्लांट्स आपको दिखाए थे, एक ये रेड बेडरूम के लिए, ये मेरा इंडोर प्लांट्स के लिए, मैं प्लांट्स इसमें लगाऊंगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं इसको अभी ऐसे डाल के ना बेडरूम में रखती हूँ, मिट्टी कल डालेंगे तो फिर लगाएंगे। आलू पूरी तरह से खत्म हो गया था तो मैंने एक बार में ही ले लिया, बोबो को आलू बहुत अच्छा लगता है तो हमने सोच। और ये देखिए मैंने ये बास्केट चेंज कर दिया है, मैंने ऊपर में ये जूस के लिए जो फ्रूट्स होते हैं वो मैं किचन में रखने लगी हूँ, क्योंकि वो मैं फ्रूट्स की जगह पर रखती हूँ तो दिखता नहीं तो जूस बन नहीं पाता है, तो ये मैं जूस के लिए जो फ्रूट्स है वो यहाँ रखने लगी हूँ। यहाँ पे लहसुन अदरक, इधर मैंने साइड कॉर्नर ये एलोवेरा है, अभी ये मैंने प्याज रखे हैं इस बास्केट में, लहसुन रखती हूँ मैं। और ए बोबो एक और ये देखो इस बच्चे को, ये ड्रेस देखो इस पे जरा, ये कौन सा नाइट सूट है, ये क्या पहन के रखा है, जब बच्चे अपने से कपड़े पहनते हैं ना तो ऐसे कपड़े पहनते हैं। देखो
आपका बच्चे बात नहीं मानते ऐसे कपड़े पहन के रेडी होते हैं। ये देखो नाइट ड्रेस है जोक्स का पार्ट। और बाबू को लग रहा है वो बहुत स्मार्ट दिख रहा है ना बेटा, तो स्मार्ट लग रहा है क्या? तो फिर यही होता है। और हम बोबो को आज हम छोड़ दिया हमने, ठीक है तू पहनो जो पहनना है। मामा इसको पहले वाला बास्केट काफी छोटा था लेकिन ये वाला ठीक है, स्टॉक करने के लिए मेरे लिए ठीक है। ये बहुत फ्रिज में मैं कुछ चीजें अरेंज कर दी थी। देखो सब कुछ मटर वगैरह सब था फिर भी मैंने ले आया, मैंने बोला कि मैं दो दिन मार्केट नहीं जाऊंगी। ब्रोकली का मैं मिक्स वेज बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। ये मिट्टिया कल डालूंगी इसमें। देखो वो क्या कर रहा है, वो ये इसमें लगी गई था। और ये देखिए पूनम लेके आई है स्नेक प्लांट, तो उसको लगा कि हम लोग कुछ ज्यादा फैसिनेट हो गए हैं प्लांट्स के लिए तो वो ये लेकर के आ गई। तो ये इसको मैं कल ही लगाऊंगी, सारी चीजें मैं कल ही लगा दूंगी। तो ये अच्छे से है इसको मैं कल लगाऊंगी। और इसको मैं लगाने वाली हूँ येलो वाले गमले में, इसको मैं रखूंगी मेरा जो व्हाइट वाला कर्टेन वाला रूम है ना उसमें। ये है खाने वाले ऑरेंजेस और ये है जूस वाले ऑरेंजेस। तो कैसा हो रहा था, मैं मुझे दिखता नहीं था मैं जूस नहीं बनाती थी, तो मैंने क्या किया जूस वाले ऑरेंजेस मैंने किचन में रखना स्टार्ट कर दिया। और ये खाने वाले हैं जो फ्रूट्स के साथ रखे हैं, ये बनाना बोबो को मैंने थोड़ा पपाया कट करके दिया था, उसको पपाया बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये है, तो मैं इसको ये किचन में नहीं रखती क्योंकि मेरा स्पेस काफ़ी छोटा है किचन में। काश किचन थोड़ा और बड़ा होता तो मेरे लिए छोटा पड़ जाता है। तो बस ये है, तो मैं रखूँगी फ्रूट्स अच्छा होता है, फ्रूट्स फ्रीज में ही रखना चाहिए, बाहर रखना चाहिए, हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं फ्रूट्स को फ्रीज में रखना। तो चलिए मैं इसको रख देती हूँ फटाफट से। और यहाँ पे मैंने आलू की भुजिया बना दिया है, यहाँ पे राइस बन गया है, दाल बन चुका है, सिंपल सा आज खाना है चावल दाल आलू की भुजिया बस। वो खाना खा चुका है, चलिए मैं रख देती हूँ। और ये रहा वो रिफाइंड जिसके बारे में मैं बोल रही थी ना कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसकी, ये इसका मुझे रिफाइंड बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा एटलीस्ट मैंने एक बार बोला था कि मैं शेयर करूंगी मैं कौन सा रिफाइंडर भी मैंने स्टार्ट किया यूज करना, तो ये रिफाइंड मैं यूज कर रही हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया था प्रोडक्ट, मुझे बहुत ही पसंद है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा निकाला है और इसमें ऐसे रखा हुआ है तो मैं इसको रख दूंगी। डिनर हो गया,
और मैं बैठी हूँ यहाँ पे आराम से, मैं बैठी थी ब्लोअर चला के, मेरे आज हैंड में बहुत पेन है और मैं यहाँ पे वाटर बैग लेके बैठी हूँ, मेरे हैंड में बहुत पेन हो गया है, पता नहीं क्यों, ठंडी लग गई है कि हाथ ठंडा हो गया बीमारी हो जाएगी उसका ड्रेस देख के मुझे और ज्यादा बीमारी हो रही है। तो बस तबीयत ठीक नहीं थी बहुत ज्यादा, तो फिर मैंने सोचा तुम यहाँ क्या बैग क्यों लेके बैठ रहे मेरा बेटे को आजकल होमवर्क नहीं कराना पड़ता, खुद से होमवर्क कर लोगे सारा। पापा ये बहुत बदमाश हो गया, बहुत शैतान हो गया। फिर चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड मेयर व्यूअर्स, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। मामा देगा मैं, हम देगा मैं वो यही ऐसे ही मैं यहाँ वाला पीछे में यहाँ वाला मामा यके आया था ना आप और मैं, ये पैंटी मत करो तुम बॉय है और गर्ल है, तो ये पैंटी ही छोड़ के मैं बॉय और गर्ल है। मॉल में पूरा बॉक्स का पेंसिल था, उसमें से एक निकाल के लेके मेरे पास आया, बोलता मम्मा ये मैं ले लेता हूँ, मैंने बोला इसको मत लो, तुम बॉल ले लो, गन तो तुम जबरदस्ती से, ये देखो मेरे घर में बेड पे गन पड़ा रहता, मतलब मेरे को ना अब इरिटेशन हो रहा है ये गन उनसे, पता है ये इतने मेरे घर में गन हो गए, इतने गन हो गए कि मैं क्या बोलूं। बोल रहा है वो डॉट दे दो कि मैं लिखूंगा तो वो अब अपने से डॉट देके वो लिखेगा वो भगवान। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग मेरे चैनल, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज जाइए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।